तो दोस्तों Realme ने अपनी बजट स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च कर दी है इंडिया के अंदर। मेरे पास है यहाँ पर Realme C21, जिसको मैं करने वाला हूँ आज अनबॉक्स। इसके पहले मैंने C20 को अनबॉक्स किया था, वो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दी है। मैं हूँ दिव्यांग मोबी ज्ञान से, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको C21 के फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, और इसको अनबॉक्स भी करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के अपडेट रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों ये है Realme C21 का बॉक्स। बॉक्स ओपन करने से पहले मैं आपको पीछे की तरफ दिखा देता हूँ हाइलाइट्स जो दी गई है। 5000 mAh की बैटरी है यहाँ पर, ट्रिपल कैमराज दिए गए हैं, हीलियो G35 ऑक्टाकोर CPU है, फिंगरप्रिंट स्कैनर इस वेरिएंट में मिल जाता है। तो चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इस बार Realme ने बॉक्स को थोड़ा सा चेंज किया है, ये स्लाइडर वाला बॉक्स है जैसा कि आप देख सकते हैं। बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें यूजुअली जो पेपर्स और यूजर गाइड्स रहते हैं, सिम ट्रे इजेक्टर यहाँ पर मिलता है, कोई केस यहाँ पर इसमें नहीं मिलेगा। ये रहा Realme C21। इस फोन को हम जल्दी देखते हैं, पहले बॉक्स में बाकी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ें मिलती है, एक चार्जर, एक USB केबल, और कुछ नहीं मिलता। जो चार्जर यहाँ पर दिया गया है वो है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर रेटिंग का। ये 10 वोल्ट का चार्जर है और स्टैंडर्ड चार्जर है, और यहाँ पर आपको माइक्रो USB केबल मिल जाता है, टाइप सी USB केबल नहीं मिलता। ये रहा Realme C21, इस तरह का कुछ फोन है। इस फोन को हम देखते हैं आगे, पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिजाइन की। बात करें Realme C21 के डिजाइन की तो आप देख सकते हैं इसका जो बैक है वो प्लास्टिक है। यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन देखने को मिल जाती है, करीब से देखे तो कुछ पैटर्न्स आपको नजर आएंगे जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट गिरने पे। ट्रिपल कैमरास मिल जाता है टॉप साइड पर, फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, और नीचे की तरफ आपको लाउड स्पीकर मिल जाता है Realme लोगो के साथ। Realme C20 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिला था, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। फ्रंट साइड पर हम आते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले जो मिलता है वो है 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले, ये IPS डिस्प्ले है, और यहाँ पर आपको मिनी ड्रॉप डिज़ाइन मिल जाती है, नॉच देखने को मिलेगा इस तरफ, जिसमें आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। साइड्स की बात करें तो बॉटम साइड पर आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक मिलेगा और एक माइक्रोफोन। टॉप साइड पर कुछ नहीं है, राइट साइड पर देखें तो पावर बटन और वॉल्यूम कीज दी गई है, और लेफ्ट साइड पर आपको सिम ट्रे मिल जाती है जिसमें आप दो सिम कार्ड लगा सकते हैं और एक माइक्रो SD कार्ड अलग से। यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट वाली सिम ट्रे आपको मिल जाती है। इसके बैक साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो बहुत ही इंस्टेंटली फ़ोन को अनलॉक करता है, टैप करने पर ही अनलॉक हो जाएगा फ़ोन। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी तेज़ है। कैमरास की बात कर लेते हैं तो बैक साइड पर आपको क्वाड कैमरास नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। ये डिज़ाइन जो आपको दिखने को मिलता है वो क्वाड कैमरास जैसा सेटअप है, लेकिन ये ट्रिपल कैमरास है, ये क्वाड कैमरास नहीं है। अगर करीब से देखें तो यहाँ पर जो चौथा कैमरा है उसमें आपको फ्लैश इंटीग्रेट किया हुआ दिख जाएगा। कैमरा स्पेक्स की बात करें तो इसमें 13 MP का मेन कैमरा मिल जाता है, बाकी 2 MP के दो कैमराज है, एक है BMW पोर्ट्रेट लेंस और दूसरा है मैक्रो लेंस। फ्रंट में आपको 5 MP कैमरा मिलेगा। कैमरा इंटरफेस की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा, पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर दिया गया है। मोड के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। टाइम लैप्स दिया है, अल्ट्रा मैक्रो शॉट है यहाँ पर, एक्सपर्ट प्रो मोड दिया है, पैनोरमा है, स्लो मोशन भी इसमें दिया गया है जो आपको C20 में नहीं मिला था। तो इस तरफ आपको नाइट मोड भी एक देखने को मिल जाएगा, और वीडियो मोड की अगर मैं बात करूँ तो ये 1080p शूट करेगा वीडियोज 30 FPS पे। कुछ शॉट्स मैंने खींचे हैं इसके कैमरा से ताकि मैं आपको दिखा सकूं इसका कैमरा जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। ये रहे वो इमेज सैंपल्स। बात करें इस फोन के सॉफ्टवेयर और यूजर इंटरफेस की तो यहां पर मैं बता दूं इसमें आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। Realme UI वर्जन है 1.0 जो चलता है Android 10 के ऊपर। जो सिक्योरिटी पैच यहां पर आपको दिया गया है वो है February 5, 2021।
Realme का 2.0 वर्जन भी है जो Android 11 पे चलता है, फिलहाल यहाँ पर इस फोन के अंदर नहीं दिया गया है। अभी ये फोन जो है वो Android 10 पे चलता है। यूजर इंटरफेस में अगर देखें तो कुछ ऐप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो ऐप्स है वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं इस फोन के अंदर। ये रहे कुछ ऐप्स, फेसबुक है, अमेजोन, स्नैपचैट है, और पूरा अगर मैं लिस्ट दिखाऊं तो ये ऐप ड्रॉवर के अंदर आपको सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। ये सारे जो ऐप्स रहेंगे अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं ये स्नैपचैट है उसको निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से स्नैपचैट को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे ही कुछ और ऐप्स हैं जो यहाँ पर आप निकाल पाएंगे अगर आपको नहीं चाहिए तो। इंटरफेस अच्छा है, यहाँ पर कोई मेजर लैग मुझे नज़र नहीं आया इनिशियल यूज़ के अंदर। इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो है मीडियाटेक का हीलियो G35 CPU। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G35 ऑक्टाकोर CPU मिलता है। ये चलता है 2.3 GHz पर, और साथ में इसमें दो वेरिएंट्स मिलते हैं रैम के, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम। आपको दो स्टोरेज वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, 32 GB या फिर 64 GB। बात करें इस फ़ोन के बैटरी साइज़ की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और सबसे खास बात यह है कि ये बैटरी जो है वो सपोर्ट करती है रिवर्स चार्जिंग। यहाँ पर OTG रिवर्स चार्जिंग दिया गया है, यानी कि आप USB पोर्ट के अंदर OTG लगा के इस फ़ोन को पावर बैंक की तरह यूज़ कर पाएंगे और अपने USB डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। तो चार्जिंग दिया गया है वो स्टैंडर्ड चार्जिंग है, टाइप सी पोर्ट नहीं है, माइक्रो USB पोर्ट है, और 10 वॉट्स का चार्जिंग दिया है। 5000 mAh की बैटरी है, तो यहाँ पर चार्जिंग जो रहेगा वो स्टैंडर्ड है, फास्ट चार्जिंग नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की तो इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाता है और 6.5 इंच का लार्ज डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। और सबसे खास चीज़ है इस फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ पावर बैंक। इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग का फीचर मिलता है जिससे आप दूसरे डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। इस फ़ोन के प्राइस और वेरिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिए हैं, अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, और इस फ़ोन में क्या अच्छा नहीं लगा वो भी मुझे बता सकते हैं। तो ये था Realme C21 का अनबॉक्सिंग वीडियो और उसके फर्स्ट इंप्रेशन। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।